लो जी, हो गया फैसला, जिसका देश की एक बड़ी आबादी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि आखिर होगा क्या, आखिर ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क क्या हुक्म देंगे। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स यानी जिन्हें ब्लू टेक मिला हुआ है उनसे $8 वसूलने के ऐलान के बाद भारत में ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ ब्लू टेक वालों को हर महीने कितना पैसा चुकाना होगा, और जो खबर आ रही है वो आपको निराश करने वाली है। जनता परेशान थी, लेकिन अब आखिर ये तय हो गया कि भारत में ट्विटर के वेरीफाइड हैंडल्स को ₹719 हर महीने चुकाने होंगे। लोगों को इस ₹719 में ट्विटर ब्लू एक्सेस मिलना शुरू हो गया है। डॉलर टर्म में देखा जाए तो ये रकम करीब $8.9 बैठती है, यानी भारत में लोगों को $8 की तय रकम से और ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही ट्विटर ने अमेरिका में ट्विटर ब्लू को $8 प्रति महीने पर लॉन्च किया है। कई लोगों ने भारत में ट्विटर के ऑफर के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्विटर ने भारत में दाम अमेरिका से भी ज़्यादा रखे हैं, जबकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि भारत में ट्विटर ब्लू का दाम 300 से 400 रुपये महीने की रेंज में होगा। ये उम्मीद इस वजह से पैदा हुई थी क्योंकि खुद मस्क ने कहा था कि हर देश में वेरीफाइड हैंडल्स चलाने वालों से उस देश की परचेजिंग पर पैरिटी के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। अब भारत में जैसे $200 प्रति व्यक्ति आय वाले देश के लोगों से अगर ₹719 महीने लिए जाते हैं तो ये वाकई लोगों के दिल तोड़ने जैसा होगा। इससे ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि भारत में आखिर ऐसे कितने लोग होंगे जो कि ट्विटर के लिए ₹719 जितनी ऊंची रकम देने को तैयार होंगे। हाल में ही $44 अरब में ट्विटर की खरीद का सौदा पूरा करने के बाद से दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क लगातार इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बदलाव कर रहे हैं। मस्क को वैसे भी असाधारण फैसले लेने के लिए जाना जाता है, ऐसे फैसले जिनका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। एक हफ्ते पहले ही उन्होंने ट्विटर के करीब आधे एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 7,500 एम्प्लॉयज में से करीब 3,700 को पिंक स्लिप थमा दी गई। मस्क ने यह भी साफ कर दिया कि दूसरों के नाम पर नकली हैंडल चलाने वालों को यूजर नाम में ही पैरोडी अकाउंट लिखना होगा। फर्जी खातों और स्पैम्स को खत्म करने की मुहिम वे पहले से ही शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा जोर ट्विटर से कमाई करने पर है। तमाम विरोध के बावजूद वे $8 वसूलने पर अड़े हुए हैं। मस्क का कहना है कि ट्विटर ब्लू वालों को रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही ऐसे लोग ज्यादा लंबे वीडियो भी डाल पाएंगे। इन लोगों को विज्ञापनों का दर्द भी कम झेलना होगा, साथ ही चुनिंदा आर्टिकल्स भी पढ़ने के लिए पैसा नहीं चुकाने होंगे। एप्पल यूजर्स के लिए $8 वाला ट्विटर ब्लू अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में लॉन्च किया जा चुका है। मस्क ने हाल में ही ये कहा था कि भारत में भी जल्द ही $8 वाला फीचर लॉन्च कर दिया जाएगा। गौर करने की बात यह है कि ट्विटर के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। यूजर बेस के लिहाज से देखें तो अमेरिका में ट्विटर के यूजर्स की संख्या करीब 7.69 करोड़ है, और इसके बाद जापान का नंबर आता है जहां ये तादाद करीब 5.89 करोड़ है। इसके बाद भारत आता है जहां ट्विटर यूजर्स की संख्या करीब 2.36 करोड़ है, और यही वजह है कि ट्विटर यहां ट्विटर ब्लू के लिए ₹719 जितनी मोटी रकम वसूलना चाहता है। खैर, मस्क की सोच एक तरफ और भारतीयों की सोच एक तरफ। वो ऐसे कि जहां ₹499 के नेटफ्लिक्स के प्लान तक को लेने से लोग बचते हैं, वहां ट्विटर के लिए ₹719 महीना देने के लिए कितने ही लोग राजी होंगे। बाकी आने वाला वक्त ही ये तय करेगा कि मस्क की योजना कितनी सफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।